आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जी एक्स बार लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। जी एक्स बार लिखा और पी एक्स अंदर लिखेंगे, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। मैंने क्या किया, जी एक्स बाहर लिखा और पी एक्स अंदर लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कल सीखा था ना डिवाइड, वैसा ही करेंगे। कल जो सीखा था वही, क्या सीखा था आपने, स्टेप वन। स्टेप वन क्या था, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। स्टेप वन में इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो माइनस, आप देखो यहाँ पे मैंने सिखाया था आपको x तीन, देखो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, कल सीखा था आपने, ध्यान से सीखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस उड़ा देंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, फिर x तीन बारी, x दो बारी है, तो x तीन बारी और x दो बारी, ठीक है। अब x x कैंसिल, x x तो क्या बचा, ओनली x, तो ये x आएगा आपका इधर, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो x इधर आया। फिर स्टेप टू क्या किया था आपने, स्टेप टू क्या था हमारा, ठीक है। ये आना चाहिए, नहीं आता है तो घड़ी घड़ी देखो वीडियोस, घड़ी घड़ी देखो, पर ये आना चाहिए, ठीक है। ये चीज मिस हो गई, चार मार्क्स का नुकसान है आपका। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू, अब ये जो आपने x लाया इसको पूरे जी एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये जो आपने x लाया इसको पूरे जी एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो x, ये वाला जी एक्स, इसे जी एक्स कहते हैं बाहर वाले को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर जा, x x देखो मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन होगी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर जा, तो x मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर जा प्लस x x जा, x x जा माइनस x वन जा, ठीक है। x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, x को इसके साथ भी, x को इसके साथ भी, ठीक है। तो x x स्क्वायर जा, देखो मैंने कल सिखाया था पावर, पावर वाला रूल है, x x स्क्वायर जा, तो ये पावर कुछ भी नहीं मतलब वन, तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो थ्री हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर x थ्री हो जाता है, x क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब, साइन किसकी है प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर प्लस x x जा x स्क्वायर, ठीक है, x x जा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वन जा एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये जो आपका आया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पे माइनस एक्स, यहां लिख दो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा अब क्या करेंगे, साइन चेंज, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, कल सीखा था ढंग से तो आज आएगा आपको, ठीक है। अब जब साइन चेंज की तो नई साइन कंसीडर करोगे, नई साइन सोचोगे, ये प्लस है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसल, ठीक है। फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो आगे कुछ भी नहीं मतलब वन है, आगे कुछ भी नहीं है इसका मतलब वन है, तो साइड में करके देखो, नई साइन सोचने की, ये नई साइन सोचो, ठीक है। तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, थ्री में से वन गए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहां देखो मैंने सॉल्व किया आप लोग के लिए, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई साइन नहीं है मतलब वन, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है वन, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, अच्छा अब यहां देखें फिर से वैसा ही, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स है, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो थ्री एक्स में से एक्स के टू एक्स, और साइन किसकी आएगी, माइनस की, ठीक है, तो माइनस टू एक्स, साइन बड़े की आएगी ना, ठीक है। ये नई साइन को सोचने का, ये प्लस को सोचने का, ठीक है,
माइनस थ्री एक्स प्लस कुछ भी नहीं, मतलब 1x, ठीक है। माइनस थ्री एक्स प्लस 1x क्या होगा, माइनस टू एक्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, प्लस फाइव नीचे उतारेंगे, प्लस फाइव नीचे उतारो, ठीक है। प्लस फाइव नीचे उतारा, फिर से वही वही सारा स्टेप्स फिर से करेंगे, ठीक है। कल सीखा था ना वैसा ही, क्या सीखा था, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर से स्टेप वन रिपीट, क्या स्टेप वन, क्या है आपका स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, टू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये टू अपॉन माइनस वन है, ठीक है। टू अपॉन माइनस वन का मतलब माइनस टू ही हुआ ना, माइनस है ना, तो माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ आपका माइनस टू आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, स्टेप टू, स्टेप टू में ये जो माइनस टू है इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो माइनस टू है इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, माइनस टू को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट करें, जिनको नहीं आता है उनके लिए ब्रैकेट ओपन, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू माइनस वन, ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस वन। अच्छा कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो टू एक्स स्क्वायर जा टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो टू एक्स जा टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो टू वन जा टू, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। साइन चेंज की, तो नई साइन के साथ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहां देखें माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स प्लस, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, सेम नंबर ऑपोजिट साइन कैंसिल होता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल। अब क्या बचा, अब क्या बचा आपका, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू क्या होगा थ्री, ठीक है। फाइव माइनस टू क्या हुआ थ्री, तो ये आपका क्यू एक्स आया, ये आपका आर एक्स आया, ठीक है, और ये आपका पी एक्स, ये आपका अंदर वाला पी एक्स था, जी एक्स था, ठीक है। आपने एक पार्ट कर लिया, आपने डिवाइड कर लिया, आपने डिवाइड कर लिया, आपसे डिवाइड मांगा था, आपने कर लिया। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, आपको वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए ये तो कर, डिवाइड करने का, वेरीफाई कैसे करने का, वेरीफाई का पार्ट कैसे करेंगे हम, तो देखो एक ही सब में दो क्वेश्चन पूछे, पहले डिवाइड करने बोला, आपने डिवाइड किया, ठीक है, आपने डिवाइड किया। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई करो, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग हुआ था हमारा, जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बोला था वेरीफाई की फॉर्मूला, तो वेरीफाई की क्या फॉर्मूला थी, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मैंने फाइव टाइम्स लिखने भी बोली थी। वेरीफाई मतलब वो वाली फॉर्मूला प्रूव करो, फॉर्मूला क्या थी, अब अपने साइड में लिख दें, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला थी, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये आपकी फॉर्मूला थी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अभी देखो ये फॉर्मूला कैसे आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करना मतलब ये फॉर्मूला निकालो, तो कैसे करोगे, उल्टा वाला पार्ट, उल्टा वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखोगे। नाउ
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिखोगे, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। जी एक्स क्या है आपका, ये आप वेरीफाई कर रहे हो, वेरीफाई क्या करना है, फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। भाई पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो पहले वो फॉर्मूला लिख दोगे जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, उसमें पी एक्स नहीं लिखोगे, वो आप करोगे 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 तो पी एक्स आ ही जाएगा, ठीक है। वेरीफाई मतलब प्रूव करो कि ये फॉर्मूला, डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्मूला साची पड़ रही है, भाई सच है ये फॉर्मूला, वो प्रूव करो, ठीक है। तो जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स है आपका कहाँ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देखो बॉक्स बना के रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। क्यू एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस टू। आर एक्स क्या है आपका, आर एक्स थ्री, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो देखो तीन टर्म है और ये दो टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को अब देखें, ये लिख दिया जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, अब बस मल्टीप्लाई करो, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो नंबर है ये है, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये है पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे देखें, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स पर एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस एक्स फिर से एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस थ्री तो है ही, प्लस थ्री तो है ही, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस एक्स पर एक्स चा, माइनस एक्स पर एक्स चा क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू जा, ब्रैकेट ओपन करूंगी ना, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स जा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू जा, माइनस माइनस प्लस और टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स टू जा टू एक्स, ठीक है, एक्स टू जा टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस वन एक्स जा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस वन एक्स जा माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू जा, ब्रैकेट खुलेगी तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन माइनस टू जा, तो माइनस माइनस प्लस, वन टू जा टू प्लस थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ अभी देखो, माइनस एक्स क्यूब तो सेम टू सेम है, अब यहां देखो प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पेयर प्लस एक्स स्क्वायर वाले भेगे करो, एक साथ करो, प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर में से वन एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस टू, और यहां कुछ भी नहीं वाला वन, टू प्लस वन 3x, तो माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 5, देखो अब ये आंसर देखो मैच करो, देखो वैसा ही आ रहा है, px देखो माइनस x क्यूब, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होता है 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, यहां कुछ भी नहीं वाला 1, ठीक है, कुछ भी नहीं होता वाला 1 होता है, याद रखना, यहां कुछ भी नहीं वाला 1, ठीक है। तो देखो आंसर मैच हो रहा है, प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो क्या हुआ px, ठीक है। तो इस तरह से आप में हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, देखो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स क्या आया px, वही तो फॉर्मूला है, तो हैंस डिवीजन वेरीफाई करना मतलब प्रूव करो कि इक्वल दोनों बराबर हैं, कि ये px इसके बराबर है, तो देखो आया ही ना, तो हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, ठीक है। ये 4 मार्क्स का सम आया हुआ है, ठीक है, इसमें देखो फिर से वेरीफाई वाला पार्ट फिर से देख लो, वेरीफाई करने में फॉर्मूला ये याद की थी ना, उसका आरएचएस लिख दो, जीएक्स क्यूएक्स प्लस आरएक्स, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ये राइट वाला पार्ट लिख दो, जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स, जीएक्स की वैल्यू वो रही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, क्यूएक्स की वैल्यू वो ऊपर एक्स माइनस टू, प्लस आरएक्स की वैल्यू ये नीचे 3, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्विंग ही करनी है, सॉल्व करोगे करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल पीएक्स आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, प्लस एक्स को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस वन को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और प्लस थ्री तो है ही,
ठीक है, फिर सॉल्व करो, फिर ये ब्रैकेट भी तो खोलनी पड़ेगी। जिनको डायरेक्ट फायदा हो तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, उनको इतना मतलब बोलने की जरूरत, आपको अगर नहीं आता है तो आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स जा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर टू जा प्लस टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबके साथ करना पड़ेगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो दो पार्ट में सम है, पहले डिवाइड करोगे फिर वेरीफाई, तो जाके आपको 4 मार्क मिलेगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सम है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, अब हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से पढ़ने का। अगर खास मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। सिंपल बोल रहा है, डिवाइड करो और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करो, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करो, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसका फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, वो आपको होमवर्क में करना है, इतने हमने कल भी सीखा आज भी सीखा, तो होमवर्क आपका क्वेश्चन 1 का 1 होमवर्क है, ठीक है, आराम से कर लोगे। मैं क्वेश्चन 2 कराती हूँ आपको, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल है, आप कर लोगे, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। सेकेंड वाले में थोड़ा ट्विस्ट है तो वो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, समझाने जैसी चीजें। करना तो डिवाइड ही है पर क्या समझाना है वो देखो। देखो कभी भी पी एक्स हो, पी एक्स में देखो पावर एक्स फोर है, फिर एक्स स्क्वायर आ गई सीधी, फिर एक्स आए और फिर फाइव आ गया, पावर देखो फोर थी टू हो गई और वन मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वन, तो क्या मिसिंग है, थ्री वाली पावर मिसिंग है, तो वो लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, वो लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं ये सम करा रही हूँ, यही डिफरेंस है सम में, क्या है, तो ये एक्स फोर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा आपको होगी कि मैडम जीरो कहाँ से आया, तो देखो जीरो ये जो डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब जीरो ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब की पावर मिसिंग है, मेरा सम गलत हो सकता है, ठीक है, तो मुझे ये एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इस समय यही समझाना था कि जो पावर है अगर 4 से चालू हो रही है तो 4 3 2 1 ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें gx में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, gx में पावर आप बस सीधी करके लिखो, पर इसमें ये px में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई 4 3 इस तरह से सीक्वेंस मेंटेन रहे, अगर नहीं दी हुई है तो जीरो डॉट करके लिखना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, अच्छा जी एक्स में देखो एक्स स्क्वायर है, देखो टू है, फिर देखो यहाँ एक्स आना चाहिए ना, सीक्वेंस कैसे होता है, टू फिर वन वाला पावर फिर कॉन्स्टेंट, तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कैसे करोगे आप, ये डिवाइड करेंगे तो जी एक्स बाहर लिखेंगे और ये अंदर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्या सीखा था आपने, स्टेप वन क्या था, स्टेप वन बड़ा अपॉन छोटा, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो स्टेप वन एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ ऊपर पावर फोर है इधर टू है, तो क्या बचेगा, कट शॉर्ट होके एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, मैंने सिखाया था कैसे, फोर माइनस टू पावर माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, तो ये एक्स स्क्वायर इधर लिख दो, ठीक है। स्टेप टू क्या था, ये एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जा जो पावर है वो प्लस हो जाएगी x4, x स्क्वायर x कुछ भी, पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर x जा x क्यूब, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर। ठीक है, काफी जो लो स्कोरर्स हैं जिनको थोड़ा टफ लगता है, बहुत ज्यादा टफ लगता है मैं शायद उनके लिए, मैं भले इतना स्लो करा रही हूँ उनको तो भी शायद थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा, पर प्लीज आप घड़ी घड़ी रिमाइंड करके देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए, उसको ऐसे नहीं कि छोड़ देना, नहीं छोड़ना है, आपको करना है। x4 - x3 + x2, तो x4 - x3 + x2, ठीक है, यहां लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज की, ठीक है, तो x4 - x4 नलीफाई कर देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो +0 है तो +x3 है, +0 है +x3 है, +0 मतलब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, +x3 तो 0 + x3 क्या होगा, x3। ठीक है, x3, ठीक है, अच्छा -3x2 है, -x2 है तो -3x2 - x2, ठीक है, -3x2 और माइनस, देखो 0 है उसका मतलब अर्थ नहीं है, 0 तो 0 तो हम खाली ये +x3 लिख दिया हमने। ठीक है, -3x2 - x2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 3 + 1 = 4x2, ठीक है 4x2, और साइन आएगी बड़े की, माइनस की साइन आएगी। ठीक है, -4x2, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप +4x नीचे उतारेंगे, +4x नीचे उतारेंगे। ठीक है, अच्छा फिर से वही स्टेप, स्टेप 2 रिपीट। ठीक है, रिपीट क्या करेंगे, फिर से स्टेप 1, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो x3 / x2, तो देखो 3 और 2 है, 3 - 2 = 1, तो x आया, तो यहाँ x। ठीक है, तो x को फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इसको x को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, x2 - x + 1, x x2 + x3 x x + x2, x1 - x, ठीक है, x x2 + x3 x x + x2, x3 - x2 + x, ठीक है, तो x3 - x2 + x, ठीक है, x3 - x2 + x, क्या करेंगे, साइन चेंज, तो साइन चेंज। ठीक है, तो x3 - x3 कैंसिल, -4x2 + x2, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, साइड में करके देखो जिसको नहीं है, -4x2 + 1x2, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए 3, ठीक है, साइन बढ़ेगी तो -3x2, ठीक है, तो -3x2, ठीक है, अच्छा 4x में से x गए, 4x - x, देखो 4x माइनस या कुछ भी नहीं है तो 1x, -1x, ठीक है, 4x - 1x या कुछ भी, 1 है ना तो कुछ भी नहीं होगा 1, तो 4x - 1x क्या होगा, 3x, तो +3x। ठीक है, अब आपने ये करा, अब 5 को नीचे उतारे, ठीक है, +5, फिर से वही स्टेप, -3x2 / x2, देखो यहाँ थोड़ा लंबा गया है और करना है, गया है तो करना भी पड़ेगा, रिपीट। ठीक है, क्या है, फिर से स्टेप 1, क्या है स्टेप 1, ये देखो तीसरा स्टेप भी आ गया, तीसरा करना पड़ेगा। ठीक है, जब जहां जब होता है करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो -3x2 / x2, -3x2 / x2, ठीक है, तो x2 कैंसिल, तो -3। स्टेप 2, -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है स्टेप 2 में, इस पूरे से माइनस, ठीक है, माइनस माइनस 3 लिखा या -3 लिख देना है,
माइनस थ्री को इस पूरे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स जा माइनस माइनस प्लस, थ्री एक्स जा थ्री एक्स, माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन जा माइनस थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट खोलनी है हमें, ठीक है। इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया, ठीक है। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, फिर साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसिल, प्लस फाइव प्लस थ्री इज एट, तो ये आपका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यू एक्स और आर एक्स, तो आपका क्यू एक्स क्या आया, तो फाइनल आंसर लिखोगे सॉल्यूशन क्या आया, क्यू एक्स कोशंट, मतलब कोशंट क्या आया, कोशंट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर आया आपका एट, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर आया आपका एट, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड वाला सम, ठीक है। थर्ड वाला भी सेकेंड जैसा ही है, थर्ड देखें, px क्या है x4 माइनस 5x प्लस 6, gx क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 के बाद सीधा पावर 1 आ गई, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो देखो 3 नहीं है 2 नहीं है, तो वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो px इज इक्वल टू x4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये नहीं लिखोगे ना आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। पावर का खास ध्यान रखो, फोर है थ्री टू मिसिंग है, वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जी एक्स में पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे फिर टू, मतलब पावर पहले एक्स की होती है फिर नंबर आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जीरो इंटू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पी एक्स में, ठीक है, px नहीं जरूरत है, इसमें खाली सीधा करके लिखा x स्क्वायर, जो x का पार्ट है वो पहला आना चाहिए कांस्टेंट बाद में, तो माइनस की साइन पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो ये x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे कैसे, ये आपने डिवाइड किया, जो gx है वो बाहर लिखे और जो ठीक है आपने अंदर लिखा, अब सॉल्व करें। पहला स्टेप, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, एक्स फोर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर माइनस कर दो, फोर माइनस टू टू, ठीक है। और साइन किसकी आएगी, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्टेप माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ करो, तो स्टेप टू माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरे से करेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर जा एक्स फोर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू जा, तो माइनस प्लस माइनस, टू एक्स स्क्वायर जा टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहे हो उसे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर जा एक्स फोर, माइनस एक्स स्क्वायर टू जा माइनस प्लस माइनस, तो टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ये रखना ध्यान से, हाँ जो फोर वाला पावर है ना, फोर वाले के नीचे रखना, ये रखना देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो आया है ना एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से रखो, फोर वाला फोर के नीचे एक्स फोर है ना, उसको इस फोर वाले के नीचे ही रखना, देखो गलती होगी नहीं तो मैं बोल देती हूँ आपको। फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर है, माइनस टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर वाले के नीचे रखना,
ठीक है, वरना मिस्टेक हो सकती है आपकी। ठीक है, तो अच्छा अब क्या रहा, अब करेंगे साइन चेंज। साइन चेंज करें, ठीक है साइन चेंज। तो अब क्या किया, x4 के साथ माइनस x4 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ देखो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, मतलब जीरो ही हुआ ना, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो जीरो ही हुआ। प्लस टू एक्स स्क्वायर, प्लस टू एक्स स्क्वायर तो जीरो के साथ प्लस की साइन है ना, प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर, नई साइन याद रखने की, जूनी भूल जाने की। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, माइनस फाइव एक्स नीचे उतारेंगे, माइनस फाइव एक्स नीचे उतारें, फिर से क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस स्टेप रिपीट करें, फिर से रिपीट। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन टू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस है तो माइनस टू, प्लस माइनस 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 टू। ठीक है, तो ये माइनस टू आया आंसर, तो माइनस टू। ठीक है, माइनस टू को इस पूरी पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टेप टू, तो माइनस टू को इस पूरे के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर जा माइनस माइनस, प्लस टू एक्स स्क्वायर जा टू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, टू टू जा फोर माइनस फोर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर जा टू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, टू टू जा फोर, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या आपका आया, माइनस फोर आया। ठीक है, तो यहाँ आपको सिक्स भी नीचे उतार ही देना था। ठीक है, प्लस सिक्स, तो क्या लिखेंगे, माइनस फोर। ठीक है, क्योंकि फोर थोड़े मैं हवा में लिखूंगी, मुझे नंबर चाहिए, तो मैंने ये नंबर नीचे उतार दिया। ठीक है, दो नंबर यहाँ नीचे उतारने थे और ये साथ में उतारने थे। ठीक है, तो माइनस फोर। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, साइन चेंज, इसकी साइन और इसकी साइन चेंज की। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस फाइव एक्स के नीचे कुछ है ही नहीं, तो वो ऐसे माइनस फाइव एक्स माइनस ऐसे ही नीचे उतरेगा। ठीक है, फिर प्लस सिक्स प्लस फोर, प्लस सिक्स प्लस फोर, प्लस टेन। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर। तो आपका क्वेश्चन क्या आया, आपका क्वेश्चन आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू आया, और आपका रिमाइंडर क्या आया, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, चीजें आप ये अच्छे से एक बार अगर आपके जो दिमाग है उसमें फिट हो गई तो ऐसे सम्स आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो सॉल्यूशन क्या है, आपको क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और रिमाइंडर है माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, होमवर्क में आपको सब कुछ आज जितना चला है सब टू टाइम्स लिखना है, मतलब हर चीज टू टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, टोटल टू टाइम्स होना चाहिए, क्लास वन होमवर्क मिला के हर एक एक चीज। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स चले आज, बहुत शांति से बारीकी से चलाए हैं, तो आपको भी उतनी ही शांति से और टू टाइम्स बहुत समझ के करने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।